अस्सलाम वालेकुम डीय लर्नर्स एंड ऑनटरपनोर्स वीडियो है बस मार्केटिंग के बारे में और बस मार्केटिंग के बारे में आप में से कौन नहीं जानता हम उम्मीद रखते हैं कि आप जो सारे के सारे सोशल मीडिया यूजर्स हैं दे ऑलरेडी नो व्हाट बस मार्केटिंग इज खास तौर पे वो लोग जो अपना स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं उनके लिए तो मार्केट के अंदर बस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाय डेफिनेशन बस मार्केटिंग इज़ क्रिएटिंग अ वर्ड ऑफ माउथ और टॉक अराउंड प्रोडक्ट सर्विस और एक्सपीरियंस डेट कस्टमर्स व्यू एज ऑथेक आप मार्केट के अंदर अपनी कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस कोई एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं उनको उसको बेचना चाह रहे हैं तो चाहे आप स्टार्टअप हैं चाहे आप ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश बिजनेस हैं कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस लेकर आ रहे हैं या आप डाइवर्सिफाई किसी और इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं यू नीड टू क्रिएट अ बर्ज इन द मार्केट आपने कस्टमर्स तक अपनी बात पहुँचानी है एक सेंसिटाइज करना है अपने कस्टमर्स को कि आप कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस लेकर आ रहे हैं सो दैट इज़ वाई वी कॉल इज अ बर्ज मार्केटिंग यानी एक वर्ड ऑफ माउथ फैल जाए आपने बहुत से दुकानों पे देखा होगा बहुत से टीवी कमर्शियल्स पे देखा होगा कि आधी कमर्शियल चलती है या कोई टीजर से आता है और उसके बाद आ रहा होता है क्वेश्चन मार्क या कमिंग सून लाइक वाइज ऑनलाइन भी आपने देखा होगा कि बहुत से अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कभी डेट अनाउंस कर रहे हैं कभी उसकी फीचर्स अनाउंस कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट रिवील नहीं कर रहा है ये तमाम चीज़ें ख़ास तौर पर आपने ऑब्जर्व की होंगी जब मोबाइल कंपनीज़ अपना नया मोबाइल लॉन्च कर रही होती हैं तो वो बहुत सा बर्स क्रिएट कर रही होती हैं लोग प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचने से पहले डिस्कस कर रहे होते हैं उसके क्या पॉसिबल फीचर्स होंगे उसकी प्राइस क्या होगी उसका कैमरा का मेगापिक्सल क्या होगा सो बेसिकली कस्टमर्स जो हैं वो प्रोडक्ट या सर्विस इस्तेमाल करने से पहले ही उसके बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं सो दैट इज़ कॉल्ड बर्ज मार्केटिंग। बर्ज मार्केटिंग किस तरह से की जाती है कोई भी इंटरटेनिंग वे से या कोई ऐसी न्यूज़ दैट गेट्स पीपल्स इंस्टेंट अटेंशन अबाउट द ब्रांड यानी फिल्फ और आपके जहन में कोई बात आई फिल्फ और कोई आपने खबर पढ़ी या आपने फेसबुक पेज पे कोई ऐसा टीजर देखा और लोगों ने उसके बारे में बातचीत करना शुरू कर दी दैट्स कॉल्ड बज मार्केटिंग आपको इस टर्म से फिमिलराइजेशन इसलिए होनी चाहिए बिकॉज आपने भी जो अपनी प्रोडक्ट बेचनी है या सर्विस बेचनी है तो यू नीड टू क्रिएट अ बज इन द मार्केट अच्छा बज मार्केटिंग में बेसिकली होता क्या है कंपनीज करती क्या है कंपनीज हायर करती हैं बाज़त सेलिब्रिटीज़ को ओपिनियन लीडर्स को इन्फ्लुएंस uh, influence को इन्फ्लुएंसर्स को इसी तरह जितने भी यूट्यूबर्स हैं बाज़ात उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है और वो बातचीत करना शुरू कर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में और वो दिखा रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट आने वाली हैं या प्रोडक्ट आई है और हम इसको यूज़ कर रहे हैं इसी तरह पब्लिक प्लेसेस के ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत दफ़ा सलेब्रिटीज़ या ये इन्फ्लुएंसर्स या ये यूट्यूबर्स उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं और बाकी लोग उनको देख रहे होते हैं बिकॉज़ वो ओपिनियन मेकरज़ होते हैं दैट्स हाउ यू क्रिएट बज इन द मार्केट रिसेंटली बहुत सी आपने देखा होगा जो इंडस्ट्री है हमारी क्लोदिंग इंडस्ट्री है उन्होंने ये काम करना शुरू किया है कि एक गिफ्ट पैक बनाया और किसी सेलेब्रिटी को दिया और वो सेलेब्रिटी वो ड्रेस वेयर करके आती है और ऑनलाइन आके बताती है कि देखिए हमें फ्लां फ्लां ब्रांड से ये गिफ्ट आया और ये कितना प्यारा है सो अगेन दैट्स हाउ यू क्रिएट बज इन द मार्केट आप इन्वॉल्व करते हैं अपने साथ एक पूरी टीम को बज मार्केटिंग के मल्टीपल नाम भी हैं कभी कहा जाता है बर्ज मार्केटिंग इज अ सबसेट ऑफ सर्टन जिसे कहते हैं वायरल मार्केटिंग और कुछ और कभी वायरल मार्केटिंग कहा जाता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ बर्स मार्केटिंग वट एवर द केसेस मल्टीपल नाम्स हैं जिस तरह वायरल मार्केटिंग कोई चीज आजकल फिर फॉर ऑनलाइन वायरल हो जाती है अंडर कवर मार्केटिंग बिकॉज बस क्रिएट की जा रही होती है लेकिन कस्टमर को इतना नहीं पता होता कि एक्चुअली में ये एक पूरी कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है बस कस्टमर्स को ये पता होता है कि एक मोबाइल आने वाला है और उसको वो उसकी उसको सेंसिटाइज कर दिया गया और उसके बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं इसको डिफ्यूज़ मार्केटिंग भी कहा जाता है इसको प्रोडक्ट सीडिंग भी कहा जाता है यानी जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली है वो लॉन्च होने से पहले पहले आप लोगों के जहनों में उस प्रोडक्ट के बारे में अपने फेवरेबल जिसे कहते हैं ना कमेंट्स या फीचर्स ऐड कर रहे हैं उसको मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि जैसे ही वो प्रोडक्ट मार्केट में आए आप फिलपाल जा कर उसको बाय करें सो so, ये मल्टीपल उसके बज़ मार्केटिंग के नाम हैं अच्छा बर्स मार्केटिंग यूज़ कैसे की जाती है और कब कब की जाती है सबसे पहले नंबर वन या तो आपने मार्केट में एंटर होना है तो आप मार्केट में एंटर होने से पहले सेंसिटाइज कर रहे होते हैं मार्केट को भी और अपने कस्टमर्स को भी सो व्हेन यू नीड टू एंटर इनटू द मार्केट यू कैन यूज़ बर्ज मार्केटिंग फिर उसके बाद आप को कोई नई प्रोडक्ट कोई नई सर्विस कोई नया एक्सपीरियंस लॉन्च करने वाले हैं तो भी आप मार्केट में बर्स क्रिएट कर रहे होते हैं जिस तरह हमने अभी एग्जाम्पल्स दी आपको मोबाइल्स की आप कोई नई आउटलेट बाय कर रहे हैं आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर कोई बड़ी आउटलेट ओपन होनी होती है तो उसके ऊपर कमिंग सून लिखा होता है या कोई ऐसा एक डिज़ाइन बनाया गया होता है जिस पर आपकी अटेंशन फिलफॉर चली जाती है और आप गेस कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कौन सा ब्रांड ओपन होने वाला है आप बिज़नेस एक्सपैंड करना चाह रहे हो तो भी आप बर्ज मार्केटिंग अडॉप्ट कर सकते हैं आप मार्केट नई मार्केट सेगमेंट में जा रहे हो हों नई टारगेट ऑडियंस के पास जा रहे हो मिसाल के तौर पर अगर ये प्रोडक्ट पहले सिर्फ और सिर्फ इलीट क्लास के लिए थी और अब आप इसको मिडिल क्लास के लिए या लोअर इनकम के लिए भी ऑफर करना चाह रहे हैं तो भी आप बर्ज मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं आप बर्ज मार्केटिंग का एज अ प्रमोशनल कैंपेन भी यूज़ कर सकते हैं सो बर्ज मार्केटिंग बेसिकली आपको इसकी फेमिलराइजेशन इसलिए होनी चाहिए बिकॉज आज डिजिटल मार्केटिंग का दौर है और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो टेक्निक है दैट इज़ बर्ज मार्केटिंग यू नीड टू सेंसिटाइज Your market before entering or before offering any product or service. See you in the next video.